हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सलेक्शनपुर में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर, जो साइबर क्राइम और दूरसंचार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से अभिकल्पित डिजाइन की गई है? तो लिंक्डइन, वाइबर, सिग्नल या फेसबुक। तो लिंक्डइन यह करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की अनधिकृत नकल और उपयोग जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है उसे डैश कहते हैं। क्या उसे डेटा डिंगलिंग कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं, हैकिंग कहते हैं या सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं? तो उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं, यह करेक्ट है। नेक्स्ट के गूगल के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2020 में गूगल मीट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया? आपका ऑप्शन है हैंगआउट्स मीट, पिक्सल, गूगल डुओ या गूगल पॉडकास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हैंगआउट मीट्स, यह करेक्ट है। नेक्स्ट की साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है? तो आईटी अधिनियम की धारा 62 के अनुसार सीएटी के फैसले या आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति अधिकरण के फैसले या आदेश की अधिसूचना की तारीख के 60 दिनों के भीतर, कितने 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। नेक्स्ट है कि कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद डैश से नीचे का ना हो वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच करेगा? तो इसका आंसर है पुलिस निरीक्षक। नेक्स्ट है कि 2014 में निम्नलिखित सोशल मीडिया दिग्गजों में से किसने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था? तो वह था फेसबुक। फेसबुक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिकल्पित ई गवर्नेंस ने डैश को अपनाया, तो किसको अपनाया? तो उसने अपनाया था कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण करेक्ट है। नेक्स्ट है कि फेसबुक नेटवर्क का विस्तार किस वर्ष में शैक्षणिक संस्थानों से परे हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सितंबर 2006 में यह हुआ था। नेक्स्ट कि एप्पल के आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? तो एप्पल के जो वर्चुअल असिस्टेंट का नाम सीरी है, सीरी करेक्ट है। नेक्स्ट कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना होता है, लैपटॉप में आप लोग देखे होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सजा डैश है, तो इसका सजा उम्र कैद है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी? फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। नेक्स्ट है कि हैकिंग को एथिकल हैकिंग के रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित में से क्या पूरा करना होगा? क्षति होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्षति होनी चाहिए, इससे प्रभावित लोगों द्वारा इससे सुरक्षित माना जाएगा, बी और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी और सी दोनों है। निम्नलिखित में से किसने इंस्टाग्राम की सह स्थापना की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है केविन सिस्ट्रॉम, यह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि टम्बलर के संस्थापक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है डेविड कॉर्स, 2007 में इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ऐप में चैट में अनसेंड संदेश की सुविधा उपलब्ध है? तो यह जो अनसेंड होता है यह इंस्टाग्राम में हमें देखने को मिलता है, यह सभी को पता है। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध क्या कहलाता है? संज्ञेय और जमानती अपराध कहलाता है। नेक्स्ट कि 2001 में साइबर क्राइम का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन किस शहर में है? तो यह शहर है बेंगलुरु। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस स्वचालित रूप में स्वयं को कूटबद्ध करता है और प्रतिलिपि बनाता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पॉलीमॉर्फिक वायरस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो वो क्या? एड। देखिए एड का मतलब ये होता है कि विज्ञापन, एडवेयर। नेक्स्ट है कि एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे डैश कहा जाता है, तो उसे व्हाइट हैट कहा जाता है, व्हाइट
नेक्स्ट है कि एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो एक निश्चित मानदंड पूरा होने पर निष्पादित होता है, एक निश्चित फाइल को एक्सेस करता है या जब एक निश्चित की संयोजन को दबाया जाता है। तो क्या वह लॉजिक बॉम है, डिनायल ऑफ सर्विस है, रूट किट है या लॉजिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है लॉजिक बॉम है। नेक्स्ट की डैश एक मैलिशियस प्रोग्राम है, दोस्तों ये हो गया लॉजिक बम, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नेटवर्क पर भेजे गए एक डेटा का एक अस्तित्व खंड है, तो वह क्या है, पैकेट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं का नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, तो यह किसमें होता है, वस्तु अंतरजाल, हैकिंग, क्लाउड प्लेटफॉर्म या साइबर युद्ध? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह वस्तु अंतरजाल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि डैश एक स्वयं संपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है, अक्सर यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उनकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है, तो क्या है, वर्म। नेक्स्ट है कि डैश एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है, तो क्या है, बॉट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है, वह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि एक तरीका है जिसमें दूसरे की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वायरस टैपिंग होती जैसे। नेक्स्ट है कि एक वायरस में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डैश कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है, तो डू नॉट डिस्टर्ब इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।